बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी भी मैंने देखा इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सारा जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। वहाँ पर उनके फ्लोर पर भी नीचे जो है सारे पानी आ गया था, तो वो सब क्लीन कराया सुबह सुबह उठ के, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गर्मी के मौसम में इस तरह का मौसम यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही थी फैन। हमने एसी ऑफ कर रखा है, हमने फैन ऑफ कर रखा है, और ये जो विंडो है ना, इस विंडो से इतनी ज़्यादा हवा आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है कि इस रूम में अभी हमें फैन की भी ज़रूरत नहीं है और एसी की भी ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना ही आराम से ब्लैंकेट में लेटे हुए हैं। मतलब दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा एकदम से मौसम चेंज हो जाता है और फिर एकदम से इतना ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाता है कि हम बिना एसी के, बिना उसमें जून मई के महीने में लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। और हमने रात में भी फ़ैन नहीं चलाया था, फ़ैन हमारा ऑफ था, अभी भी ऑफ है क्योंकि फ़ैन चलाने से ठंड लग रही है। तो बस, और आज का ये मौसम है ना, तो सोच रही हूँ कुछ ऐसी वीडियो शूट करूँ खाने की जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो और टेस्टी हो। तो कोशिश करूँगी आपके लिए कोई नई सी वीडियो लाने के लिए और इंस्टेंट वाली लाने के लिए कि जो जल्दी से बन जाए। तो बस, और यहाँ पे शुक्रिया। और इनके स्कूल की हो गई छुट्टी क्योंकि बाहर हो रहा था बारिश। तो अब मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने जा रही थी मिर्ची के पकोड़े। मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा था बाहर, और इसी बहाने मैंने सोचा कि चलो मिर्ची के पकोड़े बना लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो हम मिर्ची के पकोड़े बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, मन भी नहीं करता है इतना ज़्यादा हैवी खाने का, पर ऐसे मौसम में खाया जा सकता है आराम से। तो बस इसी के साथ जो था ना, सबसे पहले रिफाइंड लिया है, रिफाइंड में डाला है जीरा। जैसे हमारा जीरा हो गया, उसमें थोड़ी सी मैंने डाली है सौंफ। जो मिर्ची के पकोड़े हैं ना, उसमें सौंफ, जीरा, और अगर थोड़ा सा आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो इन सब का है। और थोड़ी सी मैंने इसमें हींग भी डाली थी। तो इसके बाद मैंने इन सबको अच्छे से पका लिया है और अब इसमें हम डाल देंगे हींग। तो मैंने हींग डाल दिए, अब इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद इसमें डालेंगे मसाले। तो आलू मेरे पास रखे हुए थे मैश करने के, करके इसमें मैंने डाल दिए हैं, और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से हम डालेंगे हम सूखे मसाले। और ये हमारी फिलिंग बन रही है मिर्ची में भरने के लिए। तो सबसे पहले इसमें जाएगा हमारा थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि चटपटा होना चाहिए ना। और उसके बाद हमारा जाएगा थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, जब ऐसा मौसम होता है ना तो कुछ ऐसा खाने का मन करता ही है, क्योंकि आप मतलब रोज तो ऐसा इस तरह का आप नहीं खाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नहीं खाई जाती। बट यहाँ पे ना मौसम इतनी जल्दी बदल गया कि समझ नहीं आया, मतलब रात में इतनी गर्मी हो रही थी और सुबह उठे हैं तो एकदम ब्लैंकेट के अंदर थे हम सब बिना उसके। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे थोड़ा खट्टा मीठा तीखा थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आ रहा था उस वक्त। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पका लेंगे और इसके लिए मिर्ची को भर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मोटी वाली मिर्चियाँ ली थी भरने के लिए। तो ये ले ली बड़ी वाली मिर्ची, इसके अंदर के ना बीज मैंने निकाल दिए थे, मुझे मिर्ची के बीज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप चम्मच से या चक्कू से जिससे भी आपका मन करे उससे इसके बीज अच्छे से निकाल दीजिएगा सारे। और उसके बाद जो है ना, ये आलू का जो हमने भी चटपटा सा मसाला बनाया ना, इसको हम इसके अंदर फिल कर देंगे। तो और उसके साथ ही हमने बना लेना है एक बेसन का घोल। बेसन का घोल मैंने आपको बनाते हुए नहीं दिखाऊंगी वीडियो में। तो बेसन के घोल में बेसिकली कुछ नहीं लेना है, नमक डालना है, हल्का सा मिर्च पाउडर डालना है और एक अजवाइन डालना है। बस ये तीन चीज़ें डालनी हैं बेसन का घोल बनाने के लिए, मिर्ची को तलने के लिए। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और मिर्ची को बेसन में डिप करेंगे और हमारे मिर्ची के पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हैं। एंजॉय करेंगे दिल्ली के वेदर को। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए। और अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।